SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम अगर आप भूल चुके हैं तो किस तरह से निकालेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आपके पास CIF नंबर होना चाहिए जो आपके पासबुक में मिल जाएंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर होते हैं, FSC कोड होते हैं, उसी तरह से आपके पासबुक में एक CIF नंबर होते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप कॉपी पे कहीं पे नोट करके रख लीजिए। उसके बाद एक जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपके खाते से लिंक हो, तभी आप यहाँ पे यूजर नेम निकाल सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग का। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। SBI इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप यूजर नेम भूल चुके हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से उसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले निकालने के लिए आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे onlinesbi.com। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग है, तो यहाँ पे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो कंटिन्यू टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज को ऊपर थोड़ा सा करेंगे, यहाँ पे फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फॉरगेट यूजर नेम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि CIF नंबर यहाँ पे इंटर करने के लिए जो आपके पासबुक में मिल जाएंगे, जैसे अकाउंट नंबर होते हैं, FSC कोड होते हैं, उस तरह से CIF नंबर होते हैं आपका पासबुक में ये दिया गया रहता है, आप वहाँ से इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे कंट्री। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है जो आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ हो। इसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। तो चलिए इसके बाद हम सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लॉगिन यूजर नेम हैज बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजा गया है जो आपके खाते से लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे भी शो कर दिया गया है कि लॉगिन यूजर नेम इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस तरह से इस प्रोसेस से आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। धन्यवाद।